गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज देखिए हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन यानी कि दृष्टि दोष। हिंदी में कहते हैं दृष्टि दोष, हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हिंदी की भी मैं आपको वीडियो इसके भेज दूंगा आपके पास, ठीक है। तो एबिलिटी टू सी, हम किसी चीज़ को देखते तो विजन कहलाता है। जैसे आई साइट हम कहते हैं, नॉर्मल आई साइट 6x6 होती है, जो दूर की भी देख सकता है नज़दीक की देख, लेकिन कुछ पर्सन में डिफेक्ट हो जाते हैं, जैसे दूर की दिखाई नहीं देती, नज़दीक की नहीं देती है, तो वो उसके बारे में डिस्कस करें। जैसे पहले मायोपिया, इसे शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं, नियर साइटनेस हिंदी में, यानी हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष। मायोपिया निकट दृष्टि दोष कहते हैं इसे हिंदी में। क्या होता है देखो, मायोपिया नाम से मत जाए, नाम थोड़ा सा डिफरेंट इसका, निकट दृष्टि दोष यानी कि इसमें निकट की हमें दिखाई देती है। इफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंस, दूर की वस्तुएं नहीं देख सकता है, बहुत ज़्यादा दूर की वस्तुएं क्लियरली, बट कैन भी सीधा नियर नज़दीक की वस्तुएं देख सकता है, उसे हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष या नियर साइडनेस या मायोपिया। आपने सारे नाम याद रखना है, एग्जाम पे मायोपिया भी आ सकता है, शॉर्ट साइडनेस भी लिखा सकता है, नियर साइडनेस भी लिखा सकता है। तो जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, अब यही आपने पॉइंट्स लिखने हैं, ये इसके डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट इसका फोर पॉइंट होता है, इसका ऑब्जेक्ट का लेस देन इन्फिनिटी, जो बहुत इन्फिनिटी उससे थोड़ा सा कम। इसके कोज क्या है, ये कोज भी याद रखने हैं आपने जरूर। आप हेडलाइन डालेंगे CAUSE कोज, दो कोज लिखने हैं, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, आई लेंस की पावर हाई हो जाती हो, क्यों, इसकी फोकल लेंथ कम होने से, या आई बाल बी लॉन्ग, आई बाल जो आँख का बाल, आई बाल होती है आँख का गोलाकार पार्ट है, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके कोज भी लिखने हैं, इसके डेफिनेशन भी लिखनी है। अब इसके डायग्राम आपने तीनों बनाने हैं। देखो ये है नॉर्मल आइज का, इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट से पहले तो मायोपिक आई, यानी कि दूर की वस्तुओं को वो नहीं देख सकते क्योंकि रेटिना से पहले बन रहा है, इसलिए। अब नज़दीक की वस्तु का सही रेटिना पर बन रहा है होता है, हमारे पास नज़दीक की वस्तु सीधे रेटिना बन रही है दे जाती है, लेकिन इन्फिनिटी में जो ऑब्जेक्ट होती है उसका रेटिना से पहले बन जाता है, इसलिए इसको हम नियर साइडनेस कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया एक नंबर का, क्यों कहते हैं इसका नाम, क्यों कहते हैं नियर साइड, क्योंकि रेटिना से पहले इसकी इमेज बन जाती है, इसलिए हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। तो इसको दूर कैसे कर सकते हैं, ये लगाकर। क्या है ये, आपको पता है कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस लगाकर हम इसे दूर कर सकते हैं इस दोष को। तो ये है हमारे पास निकट दृष्टि दोष का, कि क्या कारण था, कैसे दूर कर सकते हैं। इसके फिगर तीनों बना, कई बार ये फिगर पूछ सकता है आपने, ये फिगर बनाना है नहीं देख सकता आपने, ये बनाया कि नियर के देख सकता है, ये बनाना दूर करेक्शन के दूर, तो इसमें दूर के भी इमेज बन रही है, नज़दीक की बन जाते ऑटोमेटिक। ये न्यूमेरिकल से NCERT का, ये भी आपने जरूर कहा, देखो फायर पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80, यानी कि फायर पॉइंट का मतलब है जब वस्तु इमेज बन रही है इसमें, तो यू आपका वो 80 है, ध्यान रखना है। व्हाट इज नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस इक्वल टू करेक्ट द डिफेक्ट, कैसे कर सकते हैं, तो फायर पॉइंट जहाँ दे रहा है किसका मतलब आपका मतलब पता होना चाहिए आपका, ये आपका शॉर्ट साइड ने डिसीज है, यू हमें नहीं पता वस्तु कहाँ इन्फिनिटी पर है, तो एफ निकालना, एफ मतलब है पावर निकालने के लिए आपका एफ निकालना पड़ेगा, तो एफ निकालेंगे वही आपको पता है लेंस फार्मूला, क्यों लेंस यूज़ हो रहा है इसमें, तो लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे हम, तो एफ हमारे पास निकलते पी निकाल लेंगे हम। अब देखो पी की वैल्यू क्या है, माइनस का, माइनस का मतलब हमने बताया था कि इसमें सीधी सी बात है कॉनकेव लेंस यूज़ हो रहा है, कॉनकेव लेंस की पावर आते हैं नेगेटिव, किसी के चश्मे चढ़े होते हैं भाई, प्लस का नंबर है माइनस का नंबर है, तो माइनस का मतलब का नंबर होता है कि उसका कॉनकेव लेंस लगा हुआ है उसके, किसी का रहता है प्लस का। अभी आगे हम पढ़ेंगे तो चश्मे का नंबर माइनस का 1.1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर हो सकता है आपके। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक अगला हाइपरमेट्रोपिया, जिसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष एंड लॉन्ग साइडनेस भी कह सकते हैं, ये भी सेम नाम में डेफिनेशन में थोड़ा सा उल्टा है। शॉर्ट साइडनेस था नज़दीक की दिखाई देती थी, इसमें लॉन्ग का मतलब दूर की दिखाई देती है, यानी हाइपरमेट्रो दैट डिफेक्ट ऑफ विजन उसके बिल्कुल अपोजिट है। सॉरी, एक पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट, यानी कि कैन नॉट नज़दीकी नहीं देख सकता है क्लियरली, बट कैन सी द डिस्टेंस, दूर की देख सकता है। नाम में मत जाइए, डेफिनेशन नाम उल्टा है इसका, दूर दृष्टि दोष यानी कि दूर की वस्तुएं दिखाई दे, नज़दीकी नहीं दे, वो होगा दूर दृष्टि दोष या फार साइडनेस या हाइपरमेट्रोपिया कह सकते हैं। क्यों नाम पड़ा इसका, इस फिगर में देखेंगे नज़दीकी वस्तु है दूर बन रही है इमेज, दूर की है सही बन रही है, इसलिए हम इसको कह देते हैं दूर दृष्टि। सेम वही डेफिनेशन है इसकी, इसका क्या होता है नियर पॉइंट क्या होता है इसका 25 सेंटीमीटर होता है। कोजिज इसका उससे अपोजिट है, उसमें लो कन्वर्जिंग टाइम था उसमें हाई था, इसमें आई बाल क्या शॉर्ट है उसमें क्या थे हमारे पास
लॉन्ग थी, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट इसके। ऐसे इसको कैसे दूर कर सकते हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस लगाकर दूर कर सकते हैं, ये भी याद रखो कॉन्टेक्ट, कॉन्वेक्स लेंस लगाकर। इसी प्रकार के सेम क्वेश्चन है इसमें, इसमें कहेगा नियर पॉइंट ऑफ, कह रहा है तो नियर पॉइंट कह दिया इसका मतलब आपका ये कह सकता है हाइपरमेट, उसमें क्या था फार पॉइंट था, ये थोड़ा ध्यान रखना इसमें कि नियर पॉइंट का मतलब है एक मीटर, तो यानी हमारे पास वी दे रखे हैं यहाँ पर एक मीटर, एक मीटर आप इसको सेंटीमीटर में बना सकते हो, 100 सेंटीमीटर। इसके नियर पॉइंट क्या होता है इसमें 25 सेंटीमीटर होता है, तो यू नेगेटिव लेंगे, एफ निकालनी है अपने इसमें, तो अगर एफ नहीं हमें पता है तो हम पता लगा सकते हैं कौन सा हमारे पास इसमें पावर लेंस कौन सा यूज़ किया गया, तो इसके लिए हमें एफ निकालना पड़ेगा फोकल लेंथ। सेम वे में वही फोकल है, इसके देखो अब पॉजिटिव वैल्यू आएगी पावर पी में प्लस, प्लस का पी का मतलब है जिस भी किसी का चश्मे का नंबर प्लस हो, इसका मतलब समझ लो दैट इज वो कॉन्वेक्स लेंस है। तो इतने पावर का, तीन पावर का कॉन्वेक्स लेंस लगाया गया है, चश्मे का नंबर कितना हो सकता कम या ज़्यादा, तो मेन दो इम्पोर्टेंट। तीसरा इसमें प्रेस माया वेव जैसे दिखाई भी देता है, कुछ एजिड पर्सन होते हैं, ओल्ड एज पर्सन कहने से कुछ नज़दीकी भी दिखाई नहीं देती सबसे, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना हो, बुक्स पढ़नी हो, तो अच्छे तरीके से वो नहीं पढ़ सकते हैं, और थोड़ा दूर की भी ऑब्जेक्ट है जैसे ब्लैक बोर्ड टाइप अगर थोड़ा और दूर है वो भी उनको क्लियरली दिखाई नहीं देता, उसके लिए उसको प्रेस बायोपेड डिसीज कॉल देते। इसके लिए हम दोनों लेंस लगाते थे, इस बार भी क्वेश्चन इसमें से आया था, जो नीचे होता है ये, जो नीचे होता है ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, क्यों, इसको सिर्फ प्रॉब्लम है रीडिंग में, जैसे बुक्स वगैरह न्यूज़पेपर पढ़ना हो तब हम यूज़ करते, इसलिए इसका कम यूज़ होता है, इसलिए छोटा पार्ट लगाया जाता है कॉन्वेक्स लेंस, जो बड़ा पार्ट है वो कॉन्वेक्स लेंस, क्यों, दूर की चीज़ चलना है, चलने फिरने में दूर का चीज़ नहीं देख सकते, इसलिए वो ऊपर वाला होता है कॉनकेव लेंस। तो ये प्रेस बायोपिक डेफिनेशन है इसमें, ये भी क्वेश्चन इस बार आया था। नेक्स्ट है कैटरेक्ट, जिसे हम कहते हैं कैटरेक्ट मतलब जैसे कहते हैं ना हम मोतियाबिंद, मोतियाबिंद ये भी एजेड पर्सन के होता है, लेकिन आजकल कुछ यंग बच्चों में भी देखने को मिले मोतियाबिंद की प्रॉब्लम। मोतियाबिंद वैसे दो प्रकार के होते हैं, इसमें बुक में नहीं दे रखा, एक सफ़ेद मोतियाबिंद होता है, काला मोतियाबिंद होता है। इन सफ़ेद मतलब है लेंस धुंधला धुंधला हो जाता है, विच लेंस ऑफ आई पर्सन बिकम क्लाउडी, ब्लड दिखाई दे जाता है, ब्लड मतलब साफ धुंधला दिखाई देना, वो कैटरेक्ट हो जाता है, तो डॉक्टर देखते हैं कैटरेक्ट है, उस लेंस को रिमूव कर दिया जाता है और दूसरा आर्टिफिशियल एक लेंस लगा दिया जाता है। लेकिन जैसे हमारा ओरिजिनल लेंस है हमारे आँख में, वो अपने आप दूर की वस्तुओं को, नज़दीक नज़दीक को दूर अपने आप फोकस कर लेता है, वो ये आर्टिफिशियल लेंस ऐसा नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि उस बच्चे को या उस पर्सन को प्रॉब्लम हो जाती है आँख में, देख उसका चश्मे का नंबर एक पर्टिकुलर होता है 2.5 या 3.5 का, उसका चश्मा चढ़ता ही चढ़ता है, तब उसको किया जाता है। आजकल तो बहुत सी टेक्निक आ रही है, उनसे भी हम इस आए चश्मे से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज का टॉपिक आपका यही था, डिफेक्ट ऑफ विजन, शॉर्ट साइडनेस, लॉन्ग साइडनेस, जैसे दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया और कैटरेक्ट मोतियाबिंद के बारे में बताया। ये जो एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं इनको भी आप ट्राई कराया करो, जिससे आपको पता रहेगा आपकी नॉलेज कितनी है, कितनी नॉलेज आपकी गेन हुई, कितना नहीं हुआ है, कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे इनके भी ट्राई कराया करो, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारे पास है कि व्हाई डू वी हैव टू आइज, दो आइज क्यों होती है हमारे पास। अगर हम एक एक ह्यूमन बींग की बात करें तो एक आँख से हम लगभग 150 डिग्री एंगल तक देख सकते हैं, अगर हमें दोनों का तो हम उससे 180 डिग्री एंगल देख सकते हैं वाइड, जैसे चूहा है साइड में एंगल से सामने के दिखाई नहीं देती है, सामने की चीज़ें देख सकते हैं। अगर एक आँख से हम देखें तो हम पेंसिल के दोनों को सिक्के को मिलाना थोड़ा सा फर्स्ट टाइम पर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। शेर है सामने होती है आँख, तो इस सामने की वस्तु को देख सकते, साइड में इसको दिखाई देने के लिए इसको पूरी गर्दन मोड़नी पड़ती है। अब हमारे पास एक है गिफ्ट ऑफ विजन, अब देखो आई बैंक कौन डोनेट कर सकता है, आपका एनसीईआरटी बुक में दे रखा है कौन डोनेट कर सकता है कौन डोनेट नहीं कर सकता है। कुछ पर्सन है जो कुछ स्पेशल डिसीज से होते हैं, जैसे एनी पर्सन है इसमें, मेल फीमेल डोनेट आई कर सकते हैं, कोई भी वियर स्पेक्टर वो भी डान कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं आई, क्योंकि डोनेट आई करना हमारे लिए अच्छा होता है, क्यों, हम मरने के बाद हमें जड़ा दिया जाए तो हमारी आँखें बेकार हो जाती, लेकिन अगर हम किसी को आँख दान करें तो कम से कम दो आदमी को हम जिंदगी दे सकते हैं, देखने का विजन कर सकते हैं। तो कौन सा, जैसे डायबिटीज से कोई मरता है, शुगर पे मरता है, हाइपरटेंशन से, अस्थमा से, कैन डोनेट आई कर सकता, बट दे शुड नॉट एनी कम्युनिकेबल डिसीज लाइक जिससे मरता है, एड्स से मरता है, हेपेटाइटिस, रेबीज, ल्यूकोमेटाइटिस, वो डोनेट आई नहीं कर सकता। तो आप क्वेश्चन बनाएंगे, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए डायबिटीज कैन बी डोनेट आई, यस, या एंड हु कैन नॉट डोनेट आई, तो जो इन बीमारियों से मरता है वो आँख डोनेट नहीं कर सकता, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए कोई बड़ी बात है, डॉक्टर्स आते हैं 10-15 मिनट में रिमूव कर ले जाता है, कोई ज़्यादा
चीरफाड़ भी नहीं होता, 10-15 मिनट का काम होता है। इसलिए हमें आँख डोनेट करनी चाहिए, जिससे कि हम कम से कम 2 पर्सन को, 2 लोगों को हम आँख का जीवनदान गिफ्ट ऑफ विजन दे सकते हैं। तो आज का आँख का टॉपिक में यही था, कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो इसको NCERT में से करोगे तो ज़्यादा बढ़िया है, फाके आप इसमें से कर सकते हो। इसके पॉइंट्स बनाना, क्वेश्चन बनाना, ये जैसे क्वेश्चन ट्राई करके देख लें, इसमें आपके क्वेश्चन ट्राई आ जाएंगे क्या कुछ है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।